धोनी के धुरंधरों चेन्नई सुपर किंग्स ने सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से हरा दिया। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया मैच हाई स्कोरिंग रहा। चार साल बाद चेपॉक में उतरी धोनी ब्रिगेड ने 218 रन का टारगेट रखा। जवाब में लखनऊ के नवाबों ने 7 विकेट गंवा कर 205 रन ही बना सकी। लखनऊ की ओर से सर्वाधिक रन काइल मेल्स 53 रन बनाए। सीएसके के लिए मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत धमाकेदार रही। बतौर ओपनर उतरे मेयर्स और कप्तान के राहुल ताबड़तोड़ 20 गेंदों में 79 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन मोइन ने 6 ओवर में मेयर्स और 8 ओवर में राहुल को आउट किया। वहीं दीपक हुड्डा को 7 ओवर में सेंटेनर ने आउट किया। मोइन ने 10 ओवर में कृणाल पांड्या और 14 ओवर में मार्कस स्टोइनिस को पवेलियन की राह दिखाए। निकोलस पूरन ने 32 रन की पारी खेलकर लखनऊ को 150 के पार पहुंचा दिया, लेकिन 16 ओवर में तुषार देशपांडे ने अपने जाल में फंसाया। इसके बाद आयुष बदोनी और कृष्णप्पा गौतम ने 7 विकेट के लिए 39 रन की पार्टनरशिप की। लखनऊ को आखिरी ओवर में जीत के लिए 26 रन चाहिए थे, लेकिन देशपांडे ने सिर्फ 15 रन ही किए। टॉस हारने के बाद चेन्नई ने शानदार शुरुआत की। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवोन कॉनवे ने ताबड़तोड़ 1 विकेट के लिए 110 रनों की पार्टनरशिप की। यह पार्टनरशिप को 10 ओवर में रवि बिश्नोई ने गायकवाड़ को आउट करके तोड़ा। ऋतुराज ने 31 गेंदों में 57 रन बनाए। उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। वहीं कॉनवे 11 ओवर में माकवुड का शिकार बने। शिवम दुबे ने 27 और मोइन अली ने 19 रन का योगदान दिया। दोनों को बिश्नोई ने आउट किया। बेन स्टोक्स एक बार फिर बल्ले से छाप नहीं छोड़ पाए। उन्हें आवेश खान ने 17 ओवर में अपने जाल में फंसाया। वुड ने 20 ओवर में रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी को आउट किया। धोनी ने लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए। रायदू 14 गेंदों में 27 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। चेन्नई ने 12 रन से मैच जीत लिया। स्कोर कार्ड: लखनऊ 205 रन 7 विकेट 20 ओवर, चेन्नई 217 रन 7 विकेट 20 ओवर।